आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरह फाइनेंस से P2P पे जाके डॉलर किस तरह बाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फाइनेंस अकाउंट है जिस नाम पर है उस नाम से आपका बैंक अकाउंट भी होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आपके साथ आपके CNC की पिक्चर वगैरह भी होनी जरूरी है क्योंकि फाइनेंस में थर्ड पार्टी नॉट अलाउड है। जब भी आप किसी से भी ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर उसकी पिक्चर है वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि थर्ड पार्टी नॉट अलाउड। अगर आपने इस तरह गलती कर दी तो आपके फंड जाया हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर फाइनेंस पे आके आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पे हमारे पास P2P ट्रेडिंग लिखा है। यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं हमारे पास डॉलर की क्या रेट है। आप देख सकते हैं आज डॉलर की 370.10 रेट है। लेकिन आपने जितने अमाउंट की डॉलर खरीदनी है तो आपने यहाँ पर फिल्टर करना है। और यहाँ पर सपोज मैं 30,000 का 32,000 का जो भी है मैं लेना चाहता हूँ तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं अमाउंट को और फिर यहाँ से कंफर्म करते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर फिल्टर कि आपने पेमेंट किस चीज़ की करनी है। सदापे पे करनी है, बैंक ट्रांसफ़र करनी है, रास पे करनी है, क्या क्या करनी है तो आप ही वो यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बैंक ट्रांसफ़र पे करता हूँ तो कंफर्म करता हूँ। ठीक है, हमारे पास बैंक ट्रांसफर की जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको हम करेंगे तो वो यहाँ पर हमारे पास शो होंगे तो आप देख सकते हैं। दूसरी बात, आपने किसके साथ ट्रेड करनी है, आपने उसकी ट्रेड देखनी है कि उसने कितनी ट्रेड की है, कंप्लीशन रेट क्या है उसकी, आप उस पर जाके वहाँ पर उसकी सारी डिटेल वहाँ से आप वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इससे बाय करूँगा, बाय पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से डॉलर बाय करूँगा, आप देख सकते हैं चैट पे जाके उसके साथ टिक्स भी कर सकते हैं कि आर यू अवेलेबल एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने जो लिखा है एफ यू है फीडबैक हिस्ट्री सेंड CNAC एफ नॉट यूर सेल्फ। तो आप देख सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं कि वो क्या क्या कह रहे हैं। तो आपने अभी इसके बाद जाना है, क्या करना है, मेक पेमेंट पे जाके आपने यहाँ से उसका बैंक अकाउंट कॉपी करना है। इसका बैंकर फला है तो मैं कॉपी कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद ही आपने स्क्रीनशॉट निकाला है, स्क्रीनशॉट आपने भाई को सेंड करना है। मैं पहले ऑर्डर मार्क कर देता हूँ कि मैंने पेमेंट आपको सेंड कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके उसको जो मैंने पेमेंट की है उसकी मैं यहाँ पर उसको स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ ताकि वो कंफर्म भी कर लें। और इसके बाद हम आते हैं, हम उसको अपना CNAC का जो पिक्चर है वो भी भेज देता हूँ क्योंकि उन्होंने टर्म एंड कंडीशन में लिखा है कि ट्रेड करेंगे तो आपने CNAC को ही भेजना है। मोबाइल नंबर भी सेंड करें, आप भी कर सकते हैं, आप भी उसे मोबाइल नंबर वगैरह मांग सकते हैं क्योंकि पेमेंट तो आपने पहले करना है तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। आपने वेट करना है कंफर्म करने के लिए कि वो चेक करें पेमेंट आ गई है कि नहीं आए, उसके बाद यूएसडीटी रिलीज हो। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास यूएसडीटी, आप यहाँ पर फीडबैक भी दे सकते हैं, देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते वो आपकी मर्जी, लेकिन मैंने फीडबैक दे दिया। मैं हर बंदे को फीडबैक देता हूँ ताकि उसकी हौसला अफजाई भी हो सके। तो अब हम आते हैं वॉलेट में, वॉलेट में जाके चेक करते हैं कि हमारे पास डॉलर आए हैं कि डॉलर आ गए हैं फंडिंग। तो ये था हमारे पास कि हम किस तरह फाइनेंस से किसी भी जाके डॉलर खरीद सकते हैं, किन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है और किन चीज़ों को आपने उसकी क्राइटेरिया को देखने और उसके बाद अपने डॉलर खरीदने हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। खुदा।